लोकसभा चुनाव नतीजों ने यूपी में सपा बसपा गठबंधन की हवा निकाल दी है। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत ने एसपी और बीएसपी के गठबंधन के जातीय समीकरण को जोरदार चुनौती दी है और यही वजह है कि बीजेपी नेता इस जीत को 2014 के प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी बता रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में करीब 50% वोट पाए जो गठबंधन के वोट शेयर से ज्यादा था। बीजेपी के लिए बड़ी बात अमेठी, कन्नौज और बदायूं का प्रदर्शन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेठी किला ध्वस्त करते हुए अपनी जीत का परचम लहरा दिया और दूसरी तरफ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भी इसी तरह से मात दी है। विपक्षी गठबंधन को उनकी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या जहां घटकर 5 पर सिमट गई, वहीं मायावती की बसपा को 10 सीटें मिली हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मामला गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों के बिल्कुल उलट गया है, जहां एसपी ने बीएसपी की मदद से प्रभावशाली जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यादव बिरादरी ने वोट बीएसपी को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन दलित समुदाय ने एसपी को वोट देने की बजाय बीजेपी को वोट दे दिया, यानी कि पूरी तरह से गठबंधन का खेल खराब हो गया। अखिलेश यादव अपनी पारंपरिक सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी में गठबंधन का गणित काम क्यों नहीं किया। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।